हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ भेज पुलाव की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और इस तरह बनाने से पुलाव का एक एक दाना खिला खिला और अलग अलग बनकर तैयार होता है। तो इसे आज मैं कढ़ाई में बनाकर आपको बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसे बनाने के लिए मैंने एक गिलास बासमती चावल लिया है जो कि वजन में 250 ग्राम के करीब है। तो आप कोई भी इस तरह का लंबा चावल ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने थोड़ी सी सब्जियां ली है। तो सब्जियों में यहाँ मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है जिसे मैंने चौकोर टुकड़ों में काट लिया है, 1/4 कप मटर, 1/4 कप कटी हुई गाजर, 1/4 कप बीन्स और एक मीडियम साइज के आलू को इस तरह से काट के ले लिया है। सब्जियां आप अपने पसंद के कोई अन्य भी ले सकते हैं। खड़े मसालों में मैंने 2 तेज़पत्ता, 1 काली इलायची, 1 इंच दालचीनी, 4 लौंग, 4 हरी इलायची और 1 चम्मच शाह जीरा लिया है। इसकी जगह आप चाहें तो नॉर्मल जीरे का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने 18 से 20 काजू लिए हैं और मैंने 3 चम्मच देसी घी लिया है। इसकी जगह आप चाहें तो घी और तेल दोनों को मिलाकर भी यूज कर सकते हैं। तो एक कढ़ाई गरम करके सबसे पहले उसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे और इसमें हम अपने पनीर क्यूब्स को फ्राई कर लेंगे। तो पनीर को हमें बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस हल्का सा लाइट गोल्डन होने तक ही इसे फ्राई करेंगे। पनीर को फ्राई करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐसे भी इसे यूज कर सकते हैं। तो पनीर का कलर चेंज हो गया है तो इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे। फिर हमारा फ्राई हो गया है तो अब फिर से हम सेम कढ़ाई में बाकी बचे घी ऐड कर देंगे। और जैसे ही घी गर्म होता है इसमें हम खड़े मसाले ऐड कर देंगे और इसमें जीरे को हम अच्छी तरह से स्प्लैटर होने देंगे। तो 1 से 1.5 मिनट बाद जीरा हमारा अच्छे से स्प्लटर हो गया है तो अब इसमें हम काजू डालकर इसे हल्का सा गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो काजू हमारा बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है। तो बस 1 मिनट हुए हैं और काजू का कलर चेंज हो गया है तो इस स्टेज पर इसमें अब हम सब्जियां ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैं फ्रोजन मटर का यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए मटर को मैं बाद में ऐड करूँगी। और इन सब्जियों को हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि सब्जियां हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, सब्जियां हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं, तो इस स्टेज पर हम मटर ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसी समय इसमें अब हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। और इसके साथ ही इसमें और ज़्यादा फ्लेवर लाने के लिए मैं 1/4 चम्मच गरम मसाले का यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि सब्जियों में बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाएगा और पुलाव का भी स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। और इन सब को अच्छे से मिक्स करके हम 1 से 2 मिनट के लिए और भून लेंगे, जिससे कि गरम मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सब्जी में। 2 मिनट हो गए हैं, अब मैंने चावल को धो कर ले लिया है। तो इस रेसिपी में चावल को हमें सोख करके नहीं रखना है, बस तुरंत ही उसे हमें धो कर ले लेना है और सब्जियों में मिक्स करके इसे 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे, जिससे चावल में सारे फ्लेवर्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चावल को 1 मिनट भुनने के बाद अब उसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 गिलास चावल लिया था जिसके लिए 2 गिलास पानी हम ऐड करेंगे। तो जितना हम चावल लेंगे उसका डबल हमें पानी ऐड करना है। अच्छे से इसे एक बार मिक्स कर देंगे और अब हाई फ्लेम पर पकाते हुए इसमें हम उबाल आने देंगे। तो चावल में अच्छे से उबाल आ गया है तो इस स्टेज पर इसे अब हम कवर करके पकाएंगे। तो इसे मैंने ढक दिया है और अब गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 5 से 6 मिनट तक हम पका लेंगे। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद ढक्कन हटाकर इसे एक बार अच्छे से फिर से हम मिक्स कर देंगे, क्योंकि उबलते समय सारी सब्जियां सरफेस पर आ जाती हैं, जिससे कि वो चावल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। और इसी समय इसमें अब हम फ्राई किए हुए पनीर ऐड करेंगे। पनीर को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना था इसलिए मैं इसे बाद में ऐड कर रही हूँ। और इसे फिर से ढककर हम 3 से 4 मिनट तक के लिए, या फिर जब तक चावल पूरा पानी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर लेता है, हमें तब तक पकाना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है।
तो 3 से 4 मिनट बाद चावल ने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया था। उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम बंद कर उसे 5 से 6 मिनट तक के लिए ढके हुए ही रहने दिया और उसके बाद मैं ढक्कन हटा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि चावल हमारा बहुत ही अच्छी तरह से बन के तैयार हुआ है। ये सॉफ्ट भी हो गया है पर इसके दाने अभी भी बिल्कुल अलग अलग और खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं। इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो अब मैं इसे सर्व करने के लिए एक प्लेट पर निकाल लूँगी। तो इस स्वादिष्ट से वेज पुलाव को आप किसी भी करी या फिर तड़के वाली दाल के साथ सर्व करें तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। तो आई होप आज की ये स्वादिष्ट सी पुलाव की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।